हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन ई लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू सी क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 चटक चटक। नाउ लेट अस सी द वर्कबुक फिल अप फॉर चैप्टर नंबर 5 चटक चटक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शंस दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर्स करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। फर्स्ट एमसीक्यू, चटकः कुत्र निवसति। So the answer is C, Nide. Second, Chatakah katham uddayate. So the answer is B, Sukhen. Third, Chatakah kim khadati. Answer is C, Madurani Falani. Fourth, Chatakah kutra viharati. Answer is B, Vishale Akashe. Fifth, एकाकी बालकः कीदृशः अस्ति। सो द आंसर इज बी खिन्नः। सिक्स्थ एमसीक्यू नंबर 6, बालकः कस्मै बहुधान्यं ददाति। सो द आंसर इज ए चिव चिव मित्राय। सेवन नंबर, पाठ्य मामपि तव भाषां। बालकः इदं कं विहगं वदति। सो द आंसर इज डी चटकम। एट नंबर, विच बर्ड स्पीक्स चिन चिन। आंसर इज सी स्पैरो। नाइन नंबर, नो वन इज देयर टू स्टॉप वूम। आंसर इज सी स्पैरो। टेन नंबर, विच टाइप ऑफ बर्ड इज द स्पैरो। सी कॉर्टयार्ड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड री राइट दैम इन द गिवन स्पेस इन द गिवन ब्लैंक्स। सो एज यू कैन सी हियर, यू हैव टू कॉपी डाउन द सेम वर्ड्स एज अबोव। फर्स्ट चिव चिव, सेकेंड वारिता, थर्ड निवससी, फोर्थ माता पीतरा वीह, फिफ्थ किन्नोडहम, सिक्स्थ बहुधान्यम, सेवन मधुरालापम। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, इन द कॉलम ए देयर इज सम नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड इन कॉलम बी देयर आर सम नेम्स ऑफ कलर्स, मैच देम प्रॉपरली। सो द अकॉर्डिंग टू द बर्ड वी हैव टू मैच द कलर ऑफ दैट बर्ड। सो आंसर्स आर लाइक दिस। फर्स्ट हंसः श्वेतः, सेकेंड कोकिलः कृष्णः, थर्ड शुकः हरितः, फोर्थ कपोतः कापोतः, फिफ्थ मयूरः विचित्रः। सो हियर द फर्स्ट वन इज स्वैन। सो श्वेत मीन्स व्हाइट, कोकिल मीन्स कुकू एंड कृष्णः मीन्स ब्लैक। सो कुकू इज ब्लैक। थर्ड शुकः मीन्स पैरट एंड हरितः मीन्स ग्रीन। सो द पैरट कलर ग्रीन। फोर्थ कपोतः मीन्स पीजन एंड कापोतः मीन्स ग्रे कलर। सो फॉर पीजन ग्रे कलर एंड मयूरः मीन्स पिकॉक एंड विचित्रः मीन्स कलरफुल। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोयम। फर्स्ट चटकः ब्लैंक निवसति। आंसर इज नीडे। सेकेंड चटकः ब्लैंक खादति। सो द आंसर इज मधुराणी फलानी। थर्ड चटकः ब्लैंक विहरति। सो द आंसर इज विमले विपुले गगने। फोर्थ चटकः ब्लैंक वदति। सो आंसर इज चिव चिव चिव। फिफ्थ चिव चिव ब्लैंक त्वं विहगः। सो द आंसर इज कूजसि। सिक्स्थ मात पीतरा वीह मम नस्त न एंड ब्लैंक। सो द आंसर इज स्त। सेवन नंबर, ब्लैंक स्वीकुरु पिबरे नीरम। सो द आंसर इज चणकम। एट नंबर, त्वं पुनरपि ब्लैंक चिव चिव चिव। सो द आंसर इज रट। नाउ फिफ्थ नंबर, मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। So here we can see, first chiv chiv kunjasi. So the answer is tvam vihagah. Second nasti janah. Answer is khalu varita.
थर्ड चणकम स्वीकुरु आंसर इज पिबरे नीरम. सिक्स नंबर आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत. फर्स्ट चटक किम कुंजति वदति. सो द आंसर इज चटक चिव चिव कूजति वदति. सेकेंड चटक कुत्र निवसति. सो द आंसर इज चटक नीडे निवसति. थर्ड चटक सुखेन किम करोति. सो द आंसर इज चटक सुखेन डयते. फोर्थ चटक किम खादति. सो द आंसर इज चटक मधुराणि फलानि खादति. फिफ्थ चटक कुत्र विहरति. सो द आंसर इज चटक विमले विपुले गगने विहरति. सिक्स्थ चटक किम पिबति. सो द आंसर इज चटक नीरं पिबति. सिक्स्थ सेवन चटक पुनरपि किम रटति. चटक पुनरपि रटति. चटक पुनः पुनः चीव 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 रटति. सेवन नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन संस्कृत. फर्स्ट यू स्पीक चिन चिन. सो द ट्रांसलेशन इज लाइक दिस. त्वं चिव चिव कूजसि. सेकेंड मेक स्वीट वॉइस. सो आंसर इज कुरु मधुरालापम. थर्ड माई पेरेंट्स आर नॉट हियर. आंसर इज माता पितरा विह मम नस्त. फोर्थ सैटिस्फाई मी. सो द आंसर इज तोषय मा. फिफ्थ यू लिव इन अ नेस्ट. सो द आंसर इज नीडे नीवससी. क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस. डियर स्टूडेंट्स सी हियर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस इन दैट I have mentioned translation of this particular paragraph, but you have to write down the words by seeing in your textbook. You do not have to copy the same thing here. You have to write down words from your textbook. I have written here the translation of this paragraph. So this thing keep in your mind. Now, nine number. Answer each of the following question in one sentence in English. First, where does sparrow live? Answer, sparrow lives in a nest. Second, in which type of sky does the sparrow stroll? So the answer is sparrow stroll in the clean large sky. Third, why is the child sad? So the answer is the child is sad because he is alone. His parents are not at home. Fourth, what does the sparrow teach to the child? So the answer is the sparrow teaches its language to the child. 10 number exercise. Join the following words. Khinnah plus aham, khinnodaham. Second, madurah plus alapam, maduralapam. Third, na plus asti, nasti. Fourth, punah plus api, punarapi. Fifth, mata pitaro plus ih, mata pitara vih. Sixth, mama plus api, mama pi. Now exercise number 11. Find out the true synonyms of the given Sanskrit words from the given options and write. First, vih gah, so the answer is khagah pakshi. Second, gaganam, so the answer is akasham. Third, pita, so the answer is tatah janakah. Fourth, bhasha means vacha. Fifth, mata, janani amb. And sixth, samipam, means nikatam. So dear students, here our workbook fill up for chapter number 5, Chatak Chatak, is over. You may copy down all the exercise in your workbook.